आज है मंडे, सप्ताह का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और परी को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं पिया की वजह से उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। पिया को परेशान करने का कोई मौका ही ना दो। ठीक है पापा। तुम्हें भी उससे धक्का देना चाहिए था परी। तुम हमेशा चुप की रह जाती हो। पापा कहते हैं पिया पे ज्यादा ध्यान मत दो। आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं नहीं, चलो क्लास चलते हैं। अरे परी बेटा, तुम्हें चोट कैसे आ गई? पिया की वजह से आज उसने मुझे धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। तुम्हें पिया नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है, रोज तंग करती है और अपने बारे में सोचती है। तुम्हारे उसको मारने से भी ये समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि वो पिया है और तुम परी हो। तुम लकी हो, तुम्हारे इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा हैं। हो सकता है पिया के साथ ऐसा ना हो, इसलिए पिया पे कभी हाथ मत उठाना। ठीक है पापा। मुझे लगता है मुझे पिया की मम्मी और उसके टीचर से बात करनी पड़ेगी। परी, आज खाने में क्या लाई है? मेरी फेवरेट डिश आलू के पराठे। मैं भी वही लाया हूँ। चलो खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ओ, मेंढक वाली आंखों का टिफिन ही गिर गया। इसको तो मैं बता कहता हूँ। रुको चिराग, कोई बात नहीं, जाने दो। वो हमेशा तुम्हें तंग करती है, तुम उसको छोड़ देते हो। अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो वो तुम्हें तंग करती रहेगी। पापा कहते हैं कि हम जितना पिया की बातों पे ध्यान देंगे वो हमें उतना ही तंग करेगी। उसे मार कर ये जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे और हमें उस जैसा नहीं बनना। चिराग, चलो क्लास का टाइम होने वाला है। बच्चों, हम कल की क्लास में कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को अपने अपने खिलौने लाने होंगे। आपकी पसंदीदा चीज कोई भी ला सकते हो। ऐसा करके हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। तो कल मिलते हैं बच्चों। ओ परी, मेरी बिल्ली तेरे टैडी को भी खा जाएगी और तुझे भी। किटी किटी रुको, किटी 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 रुको। अरे कोई मेरी बिल्ली की मदद करो, उसे नीचे उतारो। चिंता मत करो, वो सिर्फ चिराग की आवाज सुन के डर गई है। मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे तुम्हारी बिल्ली नीचे आ जाएगी। मैं अभी आई। किटी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। टेस्टी टेस्टी मलाई वाला दूध। आ जाओ पी लो इसे।
मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे प्लीज माफ कर दो परी। कोई बात नहीं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। परी के पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति का भी उसके बुराई का एहसास करवा सकती है।